फट ही पड़ गया भाई, फट के 74 हो गए। अरे यार ले भाई गए विराट कोहली आउट। अब जीने की कोई वजह नहीं बची भाई। वेटर को बुलाओ, वेटर को भैया। हम कितने लोग हैं? 1, 2, 3 चट्ठा में 4 रस्सी और 4 पंखे ले आओ भाई। भाई क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कैसा मैच चल रहा है, मैं डूब रहा हूँ इसके अंदर, डूब रहा हूँ। अरे वाह, ये फटाकड़े कौन है? आज फाइनली वो इतिहास का दिन है जिस दिन इंडिया लड़ेगी ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी के लिए। भाई एक्साइटेड बहुत ज्यादा भाई। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल। 2003 में ऐसा हुआ था आखिरी बार जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में लड़े थे, याद है? फाइनल में पॉन्टिंग ने 140 रन बनाए थे। हाँ। तो सबने अफवाह उड़ा दी थी कि पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग है, लेकिन आज का जो उद्देश्य है वो बस एक ही है। पूछ क्या क्या आज जितने भी 9-10 साल के ऑस्ट्रेलियन बच्चे हैं वो रात को इसी बात को सोच के सोए कि विराट कोहली के बैट में स्प्रिंग है और शमी की बॉल में चिप है। तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने से मात्र एक कदम दूर। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं टोटके वोटके में बिलीव नहीं करता, लेकिन आज कोई भी खाली कैची नहीं चलाएगा, कोई भी उल्टी चप्पल दिखे सीधी कर दियो तुरंत, और अगर किसी की डायनी आग फड़क रही है तो अभी आग निकाल के बाहर रख दो। चल 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 चल, फाइनली हम लोग जा रहे हैं स्टेडियम के अंदर, मैच देखने टॉस हो चुका है। जल्दी 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 भाई 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 भाई, एक काम कर दे बस, ये जो सामने लिखा है ना मेट्रो ग्रिल्स को यार एडिट करवा दे, नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तू थोड़ा सा बहन का तो भाई, अब डलने वाली है मैच की पहली बॉल। पहली बॉल डलने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर बाई चांस इंडिया हार गई तो हमें अपनी टीम को ऐसे सपोर्ट करना है, क्योंकि भाई कोई जान के कैच नहीं छोड़ता, कोई जान के खराब फील्डिंग नहीं करता, कोई जान के बेकार बैटिंग थोड़ी करेगा, और फाइनल का तो मेंटल प्रेशर ही अलग होता है। ये ऐसी चीज है जो आप और हम नहीं समझ सकते, जो खिलाड़ी इस वक्त मैदान में प्रेजेंट खाली वही अनुभव कर सकते हैं। अरे सबसे बड़ी बात यह, जैसे हम लोग जीतने के लिए खेलने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी तो आई है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी गज्जक मूर्ति खाने आई है इंडिया। चलो सड़कियाँ हो रही है, चलते हैं गज्जक मूर्ति। नहीं बोलो कि तो वर्ल्ड कप फाइनल खेलना है। पहला ओवर हो चुका है, भारत 3 रन बिना किसी नुकसान के। 5 ओवर में कितने रन की प्रेडिक्शन करो? 5 ओवर में कितने रन होंगे? मेरे ख्याल से 35-45। मैच का पहला चौका देखा किसने मारा? चौका रोहित शर्मा ने मारा भाई चौका। लौट है ऐसा कैप्टन है इस टूर्नामेंट में जो किसी टीम का चला। जो लोग रोहित शर्मा का मजाक उड़ाते थे ना कि वड़ा पाओ खाता रहता है, ले भाई गेंदबाज का करियर खा गया पूरे टूर्नामेंट में भाई। गंदा बचा है, मैं तो कसम से बता रहा हूँ, मेरे कच्चे के अंदर नीचे लुकलुक होनी चालू हो गई थी भाई। अगर आज सुमन खेल गया अपनी जिंदगी की बेहतरीन पारी, आज ही हो जाएगा रोका इसका सारा से। भाई सुमन गिर गया भाई, आप आए आपके आते विकेट हुए, प्लीज वापस चले जाओ, ये भी मेरी गलती है, वापस चले जाओ भाई प्लीज। बॉल पे आप जाओ भाई, आपका जो टू ही है ना वो टू ही से कनेक्शन है। नेक्स्ट बॉल देखते हैं, थोड़ी सी हवा में उठा के देखो। क्या कह रहे हो? कौन आया भाई? कौन आया? मेरी बुआ का लड़का आया। अरे कोहली आया, और कौन आया? ओ भाई चक्का 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 हवा में, हवा में, इसलिए चक्का पड़ा है। पिछवाड़े का कुछ लेना देना है भाई। इंडिया के 5 ओवर में 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे। देख भाई नितिन बोला था ना 35-40 के बीच बनेंगे 5 ओवर में। भाई आपको तो सारी नॉलेज है क्रिकेट की, सारी अब शर्त लगाई थी हमने, याद है? जीत गया सर ना, मेरे 2.5 लाख। अबे साले बहुत बढ़िया कोहली भाई, 3 चौके लगातार, आउट हो गया रोहित शर्मा। भाई वेटर को बुलाओ, वेटर को भैया। हम कितने लोग हैं? 1, 2, 3 चट्ठा में 4 रस्सी और 4 पंखे ले आओ। 10 ओवर पूरे नहीं हुए, 2 विकेट गिर गए इंडिया के। ईमानदारी से बताना, लुप लुप हो रही है स्कोर देख के भाई। अय्यर रन बना सकता है आज, अय्यर के सामने अगर बबीता जी खड़ी कर दे तो अय्यर पक्का अच्छा स्कोर करेगा। अच्छा सॉरी, वो तारक मेहता वाला अय्यर है, सॉरी सॉरी, आउट और श्रेयस अय्यर। अबे पांच क्या बोल रहे हैं, फटी पड़ गया भाई, फट के 74 हो गए। तू गिन ले हाथ लगा के चाहे तो भाई। 10.2 ओवर 81 रन 3 विकेट। ये ब्लू लगून है ना, ब्लू लगून थोड़ा सा चेहर और मंगवा दो, अंदर से खोखला हो चुका हूँ मेरा भैंस का स्पंक काउंट बढ़ गया, सॉरी ब्लड प्रेशर। अरे भाई तुम यहाँ बैठे हो यार, भाई क्या हो गया यार? तू स्कोर देख रहा क्या कर रखा अंदर? मेरे को सुबह सुबह इतना प्रेशर नहीं आता जितना प्रेशर इन ऑस्ट्रेलिया ने दे रखा है। अभी तो ऐसा मूड हो रहा है मेरा कि मेरे को रिलैक्स कर दो कोई। सामने वॉशरूम है, उधर चलते हैं। अरे ओ भाई भाई भाई, कहाँ जा रहे हो? देख तो लो स्पाई। अच्छा कुछ और भी रिलैक्स हो जाए। भाई मेरे सामने अभी मुझे क्रिकेट का सबसे बड़ा फैन मिला है भैया, सुसु करने आया फिर भी मैच नहीं छोड़ रहे भाई, आपके लिए रिस्पेक्ट है भाई, मानना पड़ेगा। 40 बॉल पहले आखिरी बाउंड्री रन रेट और उस लड़की की नजरों में तेरी इज्जत दोनों सेम गिरी। मुझे क्यों तोड़ा? खेल तो बहुत स्लो खेल रहा है भाई यार, 40 बॉल खेल चुका है, सिर्फ 22 रन मारे हैं। अरे व्यू भाई क्या ढूंढ रहे हो? केएल राहुल की फॉर्म मैच का पूछ रहा है। यार
भाई ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी फील्डिंग कर रही है, कम से कम 50 रन लोग हैं, कम से कम भाई तुम यकीन नहीं करोगे 95 बॉल से एक भी बाउंड्री नहीं आई। कितना प्रेशर है भाई, बाउंड्री ना हो गई, मेंटल पीस हो गया, मिल ही नहीं रहा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, फाइनली फाइनली 97 बॉलों के बाद एक बाउंड्री आई है। भाई गए विराट कोहली आउट, 28.3 128 रन 4 विकेट। क्या हाल है, अभी रस्ते में आते थे कोहली भी चला गया। जडेजा 9 रन पे आउट, 36 ओवर 178 रन 5 विकेट। बहुत जोर से कराए आ रहे हैं, बहुत जोर से चौका, इतने टाइम बाद चौका, इतने टाइम बाद, कम से कम 150 साल लग गए। ताली बजाते ताली बजाते, ओए नहीं तू मत बजा, हॉर्न बजा रहा, ताली बजाने का बोला। अरे यार केएल भी गया, अब जीने की कोई वजह नहीं बची। भाई सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा भरोसा पता किस पे है, सिराज बुमराह शमी जडेजा, या तो आज कप उठाएंगे या तीनों भाई छत से पूछेंगे। अगर इंडिया और पाकिस्तान आज जुड़ा हुआ होता तो सोचो क्या टीम होती है हमारी। तो ओपनिंग करने को आ था अपना रोहित शर्मा आ गया और गिल आ गया, थर्ड राउंड पर कोहली आ गया, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान साथ है तो अग्यार आ गया, उसके बाद तेरा केएल आ गया, केएल आने के बाद तेरा सूर्य आ गया, उसके बाद वाली बॉलिंग चालू, बॉलिंग में अपना तेरे को पता ही है शाहीन अफरीदी और हारिस ये दोनों बढ़िया खेल रहे थे। बॉलिंग में सबसे पहले कौन आया, बुमराह आया, बुमराह आने के बाद सिराज आ गया, फिर उसके बाद तेरा शमी आ गया, स्पिनर के अंदर तेरा, यार जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इंडिया अगर साथ है, एक टीम अगर बन गई तो क्या होगा, कुलदीप आ गया, जडेजा जडेजा आ गया, अरे हमने सारे इंडियन प्लेयर का नाम ले लिए, वहां पर तो रही गया पानी पिलाने तो कोई आएगा, मजाक कर रहे हैं मजाक। बाबर भाई का बस ये वाला टूर्नामेंट खराब है, कोई हेट नहीं, मजे ले रहे हैं मजे, ऐसा कोई हेट नहीं। 6 और बचे हैं, 213 रन है, अगर यहाँ से भी 250 या 60 बन गए वो भी एक अच्छा स्कोर होगा, सब कुछ अब सूर्य के ऊपर है। आयरनी देखो शाम हो चुकी है इस वक्त, और भरोसा किस पे कर रहे हैं, सूर्य पे। लो भाई बुमराह भी आओ भाई, भाई क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसा मैच चल रहा है, मैं डूब रहा हूं इसके अंदर, डूब रहा हूं भाई। प्लीज एक काम करो, सब अपने कैलेंडर से 19 तारीख तोड़ दो, 12 साल हो गए वर्ल्ड कप नहीं आया, मैं 2015 भी रोया, 19 भी रोया, 23 नहीं रोना चाहता, मेरा दिल नहीं टूटना चाहता। ये तो ऑस्ट्रेलिया वाले फील्डर भी इतनी टाइट कर रहे हैं, इतनी टाइट मेरी कच्ची भी नहीं है जितना टाइट फील्डिंग सूर्य कुमार आउट। 240 हो गए, 241 का टारगेट है, सब का सोफे में हाथ ठीक है क्या, मैच इतना बुरा चल रहा है लेकिन अब जैसे तैसे करके थोड़ा सा दिल को अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे सामने थंबनेल है मेरा। जली ना तेरी भी जली ना। तो इंडियन की बॉलिंग चालू हो चुकी है और पहली विकेट ले चुका है शमी। ओए मैच चला भाई, मैच चला। ऑस्ट्रेलिया 2 ओवर 28 रन, बाय बाय, घर जाके टोट के करो जितने कर सकते हो। खाली 7 विकेट बची है बस, पूरे मैच में 7 अच्छी बॉलें आपको हाथ में कब दिला देंगी। भाई ये क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के वहाँ से 80 मिनट पहले निकला था, तब 3 विकेट पे छोड़ के गया था, और अब देख लो अभी भी 3 विकेट ही हुई, गया फाइनल भाई गया। 100 बॉलों में खाली 59 रन चाहिए, 100 बना गया। सारे मेरे को बाहर मिल, तेरी मूछे और आरुमल ट्रिमर से। जो लोग मेरी तरह क्रिकेट देखते हैं एकदम चाट चाट के, उनको पता होगा कि एक अंपायर है रिचर्ड कैटल बोरो बोरो करके, भाई वो बहुत मनहूस है इंडिया के लिए, बहुत मनहूस। इतने सारे आईसीसी इवेंट में उसने इंडिया के मैच में जो नॉकआउट्स वाले होते हैं जैसे फाइनल सेमीफाइनल, उसमें अंपायरिंग करी है और इंडिया हारी है। अब कमाल की बात देख लो, आज भी वही अंपायर है, सेमीफाइनल में वो नहीं था, इंडिया सेमीफाइनल जीत गई, फाइनल में वो है तो इंडिया का रिजल्ट देख लो आपके सामने हार गई। मेरी आप लोगों से अपील है कि प्लीज किसी तरह उस अंपायर का एड्रेस निकालो और 4-5 तेल वाले डंडे तैयार कर लो, उसको नहीं छोड़ना मैंने। भाई जीत गए ऑस्ट्रेलिया, खत्म। पानी डालो इन पटाखों पे, क्यों फूट रहे हैं ये। विश्व कप जीतने का तीसरी बार सपना तोड़ा, गुलशन भी अब तो वीराना लगता है। तो इसी के साथ जहां इंडिया एक तरफ इस टूर्नामेंट में लगातार 10 मैच जीत के फाइनल में आई थी, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ही फाइनल में हरा के नाम कर लिया है अपने 2023 का वर्ल्ड कप। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं आप पे खत्म, जाते जाते वीडियो को जो आपको करना हो लाइक शेयर आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी जाते हुए बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी भी खिलाड़ी या उसके परिवार को गाली गलौज ना करें। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग उनकी फोटोज के नीचे कमेंट करते हैं जैसे कोई मैच हारते हैं, तो प्लीज वो ना करें। जहां एक तरफ आप लोगों ने पिछले 10 मैच इंडिया को सपोर्ट करा, इतना प्यार दिखाया, वहीं दूसरी ओर आज गाली बक्के अपना डोगला ना दिखाएं, अपने खिलाड़ियों को आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। लेकिन मैं आपको बता देता हूं वीडियो एंड करने से पहले, ये सारा अंपायर ही मनहूस है। मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय। 5 6 5 6 7 8 जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचने तो मेरा अज जी करदा, जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचने तो मेरा अज जी करदा।